हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल जीपी के इंस्पायर में स्वागत। एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच के लिए एक शोध किया। शोध में उन्होंने एक मेंढक लिया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया, फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किए जाने लगे। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था ताकि जब पानी का गर्म ताप मेंढक की सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो वह कूद कर बाहर आ सके। प्रारंभ में मेंढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ, मेंढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ तो आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वह हल्का गर्म लग रहा है, लेकिन कूद कर बाहर निकलने के स्थान पर वह अपनी शरीर की ऊर्जा बढ़ते हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाने लगा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ, मेंढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही, इसलिए वह पानी से बाहर नहीं कूदा बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा उस गर्म पानी में तालमेल फिर बैठाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज़्यादा गर्म होता गया और मेंढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़ते हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाता रहा। जब पानी उबलने लगा तो मेंढक की जान पर बन आई। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की शक्ति बढ़ोई, लेकिन वह पहले ही शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बैठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा शेष बची ही नहीं थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। यदि मेंढक समय रहते अपने शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वह जिंदा होता। सी दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास न कर उससे तालमेल बैठाने में लग जाते हैं। हमारी आंख तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती हैं और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसलिए प्रारंभिक अनुभव होते ही परिस्थितियां सुधारने की कार्रवाई प्रारंभ कर दें और जब समझ आ जाए कि अब इन्हें संभालना मुश्किल है तो उससे बाहर निकल जाएं। परिस्थितियों से लड़ना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकल जाना इसे बुद्धिमानी कहते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।